हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हमारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.39 पर आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज, इन मिलिकेंस एक्सपेरिमेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय शाइनिंग एक्सरेज। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑयल ड्रॉप के ऊपर ये कैसे ऑब्टेन किया गया मिलिकेन एक्सपेरिमेंट में शाइनिंग एक्सरेज के द्वारा। इफ द स्टैटिक इलेक्ट्रो चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप इज -1.282 मल्टीप्लाई बाय 10^-18 कूलम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन। तो हमें टोटल चार्ज दिया हुआ है ऑयल ड्रॉप के ऊपर और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं। तो एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज है हमारे पास -1.282 मल्टीप्लाई बाय 10^-18। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज फिक्स 1.6 × 10^-19। यहाँ पे हमने नेगेटिव मेंशन इसलिए किया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उनका भी टोटल चार्ज उन्होंने नेगेटिव दिया हुआ है, तो हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। ये नेगेटिव से नेगेटिव हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे, 1.28 डिवाइडेड बाय 1.6, 1.828, ओके, सो नियर अबाउट 8 आ जाएगा, 0.8। एंड 10^ माइनस का 18 है, ये ऊपर जाकर +19, तो 1 चला गया पावर। इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो 8/10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी कि उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ओके, तो बहुत आसान, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन फॉइल ऑफ हैवी एटम्स लाइक गोल्ड प्लैटिनम एक्सेट्रा हैव बीन यूज्ड टू बी बम्बार्ड बाय अल्फा पार्टिकल्स। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो थिन फॉइल लिया गया था मेटल्स का, वो हैवी एटम्स का था, जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, और उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारिंग हो रही थी। इफ द थिन फॉइल ऑफ लाइट एटम्स लाइक एल्यूमिनियम एक्सेट्रा इज यूज्ड, अगर थिन फॉइल का यूज किया जाता हल्की एटम्स जैसे कि एल्यूमिनियम वगैरह का, व्हाट डिफरेंसेस वुड बी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव रिजल्ट। तो क्या डिफरेंसेस हमें ऑब्जर्व होते, तो होता क्या, यहाँ पे आंसर वैसे मेंशन है, मैं आपको आंसर पढ़ाता हूँ। इफ थिन फॉइल ऑफ लाइट एटम्स लाइक एल्यूमिनियम इज यूज, अगर हम लोग एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम जैसा कोई हल्का एटम यूज करते, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विल बी नेग्लिजिबल। तो जो डिफ्लेक्शन हम लोगों को गोल्ड के केस में दिखाई दी थी, वो डिफ्लेक्शन जो अल्फा पार्टिकल्स की हो रही थी वो बहुत ही कम होती, नेग्लिजिबल होती। क्यों? बिकॉज लाइट एटम्स हैव लाइटर न्यूक्लियाई। लाइट एटम्स का मतलब क्या हो गया, जो प्रोटॉन्स हैं उनकी गिनती कम होगी, तो प्रोटॉन्स की गिनती कम है तो मतलब उनका वेट हल्का हो गया, एंड देयर पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो स्मॉल, और उनका एटॉमिक नंबर स्मॉल है तो पॉजिटिव चार्ज भी स्मॉल होगा, जिस वजह से जो अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना कि गोल्ड के थ्रू हो रहा है, क्योंकि गोल्ड प्लेटिनम हैवियर एटम्स में आ जाते हैं, इनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन ज्यादा है तो मास भी बढ़ेगा और चार्ज भी बढ़ेगा, तो इसलिए जो डिफ्लेक्शन है वो लार्ज होती है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम या ऐसे कोई यूज करते तो फिर डिफ्लेक्शन इतना नहीं होता या नेग्लिजिबल होता। नेक्स्ट इज सिंबल 79। ओके, ये ऐसे है, इन्होंने सिंबल दिया हुआ है 79-35 ब्रोमीन, और कहता है 79 ब्रोमीन, कहता है इसको अपन लिख सकते हैं
ये तो मतलब अलाउड है, ये तो सही है, लेकिन जो सिंबल्स आपके इस तरीके से हो गए, मतलब 35, 79 और 35 BR नीचे सबस्क्रिप्ट, तो ये अलाउड नहीं है कहता। व्हाई, दिस इज क्यों, ये क्यों हो रहा है, शॉर्ट में आंसर करते हैं। तो क्लियर है कि जो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर हमेशा कहाँ पे मेंशन होता है, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज मेंशन्ड एज सबस्क्रिप्ट, मतलब ये हमेशा नीचे लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पे एटॉमिक नंबर बिल्कुल सही लिखा है, तो 35 ये एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है, जिसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और जो मास नंबर है, मास नंबर इज ऑलवेज मेंशन्ड एज सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट मतलब इसे आप ऊपर लिखते हैं, जैसे कि मास नंबर यहाँ पे 79 है, ये ऊपर लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी 79 ऊपर है मास नंबर, बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों को इंटरचेंज किया तो ये गलत है, यहाँ पे कोई मेंशन ही नहीं किया हुआ, तो मास नंबर जो है वो हमेशा कहता है सुपर सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में, यानी ऊपर होना चाहिए। अब ये तो हमें पता चलेगा कि ये गलत है, फिर इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो 35 से ही एटॉमिक नंबर सबस्क्रिप्ट ही है। तो अब ध्यान सुनिए, एटॉमिक नंबर इज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की जो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सॉरी, एटॉमिक नंबर जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन जो मास नंबर है, मास नंबर इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, लेकिन मास नंबर फिक्स वैल्यू नहीं है, सो मास नंबर मस्ट बी रिटन बाय रिप्रेजेंटिंग इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो एटॉमिक नंबर तो फिक्स है लेकिन मास नंबर फिक्स नहीं है, तो इसीलिए एटॉमिक नंबर अगर आप नहीं भी लिखेंगे फिर भी वो गैस हो जाएगा कि किस एलिमेंट की बात हो रही है, लेकिन एक ही एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं तो मास डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसे मेंशन करना जरूरी है कि किस आइसोटॉप की बात हो रही है। तो यही हमारा आंसर है कि एटॉमिक नंबर फिक्स है लेकिन मास नंबर फिक्स नहीं है, तो इसीलिए इसको हमेशा लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे यही गलती है कि यहाँ पर मास नंबर मेंशन नहीं किया हुआ, और यहाँ पे तो मेंशन दोनों चीजें हैं लेकिन गलत कर दिया, ऑर्डर गलत आ गया, तो इसीलिए ये दोनों एप्लीकेबल नहीं है, ये दोनों सिंबल्स एप्लीकेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 कॉन्टेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है, और उसमें इतने न्यूट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एक्स, हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब जो इंफॉर्मेशन गिवन है, कहते हैं कि जितने प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स एक्स हैं, उससे ज्यादा यानी कि प्लस कितने,
31.7%। परसेंट को हटाने के लिए नीचे क्या लगा देंगे, 100, और ये किसके ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। तो ये न्यूट्रॉन्स की हमारे पास गिनती आ जाएगी, एक्स प्लस 317। जब आप ये वाला डेसिमल भी हटा दोगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। तो ये न्यूट्रॉन्स हो गए। नाउ मास नंबर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर है 81, प्रोटॉन्स है एक्स और न्यूट्रॉन्स है एक्स प्लस 317/1000x। अब इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 1000 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर से 1000 हट जाए। आप चाहे तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों ही तरीके वैलिड हैं। हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसमें से 1000 हट जाए। तो ये हट गया है क्योंकि वहां पे 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो 81000 इज इक्वल टू, ये आपका बन गया 2317x। अब 81000 को 2317 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स मेरे पास आएगा। एंड व्हाट इज एक्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2317। 81000 डिवाइडेड बाय 2317, सो आई एम गेटिंग एक्स इज इक्वल टू 34.959। तो उसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 35। तो 35 जो है वो यहाँ पर प्रोटॉन्स आ गए। अब उन्हें बोले कि एटॉमिक सिंबल लिखिए, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने सिंबल लिखने के लिए कहा है, तो हम लोग सिंबल यहाँ पर लिखेंगे। तो 35 प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब क्या होता है, प्रोटॉन्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमें पता चल चुका है। और दूसरी बात, एटॉमिक नंबर में हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट होती है या सुपर स्क्रिप्ट होती है, वो सबस्क्रिप्ट होता है यानी कि नीचे लिखा जाएगा। तो 35 नीचे है। 35 किसका एटॉमिक नंबर है, दैट इज ब्रोमीन, तो Br लिख देंगे। और मास नंबर हमें दिया हुआ है 81, तो यहाँ पर 81 पुट कर देंगे। तो ये जो है वो आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म आ गया है, किस चीज का, ब्रोमीन का, क्योंकि सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का ध्यान रखना होता है। जो मास नंबर है वो सुपर है और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो सब है। तो इस तरीके से ये सिंपल हम लोगों ने लिख दिया। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.43। एन आयन, आयन का मतलब हो गया है कि एलिमेंट की एटम ने या तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है या लूज किया है। आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मास नंबर 37 है, पोजेसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर 1, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, तो आयन्स की गिनती न्यूट्रॉन से कहता है, इलेक्ट्रॉन से आयन्स के अंदर न्यूट्रॉन्स की गिनती इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज्यादा है, तो आयन का सिंबल पता करें। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि मास नंबर, जो मास नंबर है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर 37 गिवन है, ना हमें प्रोटॉन्स पता ना न्यूट्रॉन्स पता, तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे। मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट द नंबर
ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स की गिनती जो है वो अपना एक्सीलेट कर लेते हैं। अब हमें पता है अगर एक न्यूट्रल एटम होता है तो उसके पास जितने प्रोटॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? उसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की गिनती है वो प्रोटॉन से एक ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तभी आएगा ना अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो न्यूट्रल एटम के अंदर एक्स इलेक्ट्रॉन थे लेकिन एक गेन हो गया तो X+1 आ गया। अब उन्होंने बोला है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये कहता है किसके इक्वल है? ये कहता है न्यूट्रॉन्स की गिनती इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज्यादा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जितने हैं X+1 उससे ज्यादा है। कितनी? 11.1। परसेंटेज को उठाने के लिए नीचे 100 लगा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे X+1 से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इतनी ज्यादा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें उस परसेंट का ऐड करना है। तो उसका मतलब है ये मेरे पास बन गया X+1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओ सॉरी, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्स है, न्यूट्रॉन्स मेरे पास कितने आ गए हैं X+1 प्लस, जब ये पॉइंट हटा देंगे तो इधर 111 बन जाएगा और नीचे एक जीरो और आ जाएगी, X+1। अब वही जो हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे से 1000 हट जाए। आप एलसीएम भी ले सकते हो, ये 1000 बन जाएगा X, ये भी 1000 का बन जाएगा, 1 से करोगे ये 1000 का बनेगा। 111 को एक्स के साथ किया, 111 एक्स हो गया, और 111 को 1 से किया, 111 हो गया। तो इस तरीके से वैल्यू सारी पुट हो गई हमारी 37000। ओके, यहाँ पर एक्स आएगा भाई, इधर एक्स आना है क्योंकि ये 1000 इसके साथ है फिर इसके साथ है, तो ये एक्स वाले ऐड कर लेंगे, 1000 1000 2000, तो 2111। और जब इसको ऐड करेंगे 1111, तो अभी जो 4 बार 1 आ गया है इसको अपना माइनस करेंगे, इधर लेके जाएंगे और ये 2111 एक्स, तो 37000 में से 111 माइनस किया तो आई एम गेटिंग 35889 इक्वल टू मे 2111। अब 2111 जो है वो डिवाइड में भेज देंगे अपन, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो अब देखते हैं कि क्या आंसर हमारा आ गया, तो वी आर गेटिंग 17, यस 17.00095 है, हम लोग 17 ही लिख देंगे, तो एक्स इज नियरली इक्वल टू 17। तो इसका मतलब है कितने प्रोटॉन्स हो गए? 17। अब सिंबल पूछा है आयन का, तो हमें पता है जितना प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, तो प्रोटॉन्स 17 है तो एटॉमिक नंबर 17 लिख देंगे। मास नंबर दिया हुआ है 37, 17 जो है वो क्लोरीन का होता है तो सी एल लिख देंगे। इट इज कैरिंग 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो उसके साथ माइनस लगा देंगे, ये नेगेटिव 1 इंडिकेट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2.43 कंप्लीट हुआ, ये 5 क्वेश्चन हमारे डन हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।